सर मिस्टर मम्मी कैसी लगी आपको? हाँ सर, अच्छी फिल्म थी। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो ठीक ही निकली फिल्म। जैसे ट्रेलर वगैरह हमने देखा था तो लग नहीं रहा था कि इतनी जबरदस्त कुछ फिल्म होगी, लेकिन हाँ एक बार देखी जा सकती है। मतलब हल्की फुल्की कॉमेडी है फिल्म में सारी चीज़ें हैं, और देखिए अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। हालांकि आपको ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे उस चीज़ों से, थोड़ा अलग तरीके से दिखाया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, एक बार आप देख सकते हैं। हाँ फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन ये भी है फिल्म का। बाकी रितेश देशमुख का काम अच्छा है। वो देखिए वो प्रेगनेंट हो गए और वो सारी चीज़ चल रही हैं, मतलब वो कॉमेडी चल रही है ज़बरदस्ती। फिर वो महेश मांजरेकर डॉक्टर बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो भैया बोल रहा है किसी को बताना, पता नहीं चल रही थी वो सारी चीज़ें। उसका भी न्यूज़ व्यूज़ में आने लगा, तो वो बीच बीच में आपको ज़बरदस्त हंसाती भी है फिल्म। लेकिन हाँ ये भी है कि कहीं कहीं थोड़ी सी बोर करने लगती है फिल्म एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग में 20-25 मिनट बाद आपको लगेगी कि हाँ थोड़ी सी बोर कर रही है, फिर वापस थोड़ी सी हंसाएगी। फिर इस तरीके से फिल्म पूरी चलती रहती है। और क्लाइमेक्स में देखिए वो मैसेज देने की कोशिश की गई है फिल्म के जरिए, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी काम सभी का अच्छा है, जेनेलिया का काम काफ़ी अच्छा है, रितेश देशमुख का काम काफ़ी अच्छा है। वैसे देखिए दोनों हमेशा साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे लगे हैं दोनों, तो अच्छी फिल्म है। फिल्म दृश्यम से क्लैश कर रही है, तो क्या लगता है ऐसा में फिल्म कमाई कर पाएगी? हाँ जी, मुझे तो नहीं लगता कि ये फिल्म कमाई कर पाएगी दृश्यम की वजह से। और दृश्यम नहीं भी होती तो भी मुझे लगता है कि ये फिल्म जितनी कमाई करेगी सिर्फ ये उतनी ही तभी भी कर सकती थी यदि क्लैश नहीं होता तो भी, क्योंकि कोई इतनी ज़बरदस्त फिल्म नहीं है कि आप बिल्कुल हाँ भैया जाके देखो ही इसको और मतलब मिस ही नहीं कर सकते। इस टाइप की नहीं है, मतलब आपको हंसना है, हल्की फुल्की कॉमेडी चाहिए, तो आप आके इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं।